शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये लीजिए। वैसे घबराने की अब कोई जरूरत नहीं है, मैंने पट्टी कर दी है, लेकिन इनका खून काफी बह चुका है, इसलिए थोड़े दिनों तक नो कामकाज, ओनली रेस्ट, वरना कमजोरी के मारे ही चक्कर खाकर गिर भी सकती हैं, ओके? जोशी डॉक्टर, मम्मी को बुखार सा भी लग रहा है। बुखार तो होगा ही इन्हें, लेकिन कुछ ही देर तक रहेगा। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ देर तक ही आराम से सोती रहेंगी। लेकिन हाँ, आज रात भर इनके टेम्परेचर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर रात में बहुत तेज बुखार हो तब आप मुझे फोन कर दीजिएगा, और हाँ, दो दो घंटे के अंदर से दवाइयाँ जरूर देते रहिएगा। जी मैं लेता हूँ, आइए। अन्नी, मम्मी को बहुत जोर से बुखार है, जाके कंबल ले आ, ठंड लग रही होगी। अभी लाती हूँ। मम्मी को इस हालत में छोड़कर कैसे चलूं? मत चलो। एक्चुअली ऐसी कंडीशन में तो मेरा भी जाने का मन नहीं है। लेकिन वहाँ पे मम्मी जी क्या कहेंगे? तुम उन सब की चिंता मत करो, वहाँ पे जाके सब मैं संभाल लूंगा। तुम यहाँ मम्मी जी का ध्यान रखो। सुनो, वहाँ मम्मी के बारे में सिवाय मम्मी जी के और किसी को कुछ मत बताना, खास करके पापा को। क्यों? मम्मी के बारे में सुनेंगे तो वो बहुत दुखी हो जाएंगे। कल होली है ना, एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओके। मच्छर है, मुंह पे तो मत लाइए। ओके ओके। एलर्जी है इससे मुझे। अच्छा हाँ, वो नियति और अंबर वापस आ गए क्या पगफेरों की रस्म से? नहीं, अभी तक नहीं आए, शायद रास्ते में होंगे। मैं जरा चंद मच्छर और मार के आता हूँ। अब तक क्यों दिया है? फोन कर ही लेते। हेलो मॉम। मैं तुझे फोन लगाने वाली थी। अच्छा, तुम लोग घर कब तक पहुंच रहे हो? मॉम, अभी तो हम निकले ही नहीं यहाँ से। निकले नहीं हो? क्यों? वो हम बस निकल ही रहे थे कि नियति की मम्मी बहुत जोर से गिर गई, उन्हें बहुत ज्यादा चोट आई है। ये तो बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर को दिखाया? अब कैसी है वो? हाँ, डॉक्टर अभी इंजेक्शन देके गया है, तो सो रही है अभी। सोने दो उन्हें, सुबह तक उठेंगी ना तो उनको आराम मिलेगा। मॉम, हम सोच रहे थे कि आज यहीं रुक जाएं। रुक जाएं? अंबर, तुम्हें पता है ना कल होली है, और तुम दोनों से कितने लोग मिलने आ रहे हैं। मैं जानता हूँ मॉम, पर आप फिक्र मत करो, हम सुबह सुबह ही आ जाएंगे। ऐसी हालत मैंने कैसे छोड़ के आए? ठीक है, सवेरे सवेरे आ जाना। मॉम आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। मॉम लेकिन ये बात आप अपने सिवा किसी से कहिएगा मत। क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहते कि डैड और बाकी सब लोगों का मूड खराब हो जाए। कल त्योहार का दिन है ना,
मूड तो खराब हो ही गया है। क्या हुआ बेटा, बुखार तो नहीं? थोड़ी देर पहले तक तो था, दवाई दी तो अब नहीं है। शुक्र है। अच्छा बेटा, तू भी जाके जरा आराम कर ले, थक गई होगी। नहीं मैं नहीं थकी। अरे मैं हूं ना इसके पास, तू जा। आप जाकर सो जाइए पापा, मैं नहीं थकी हूँ। बेटा तू जा। नहीं जाएंगे। नियति बेटी हो के पराई, तू भी ना। छोड़ के बाबुल की अंगनाई, बंध जाती है कई रिश्तों में, जीने लगती है किश्तों में। हे भगवान, आज फिर देर हो गई। अरे क्यों उठ गई आप? ले जाओ मम्मी। अरे तुम अभी तक गई नहीं? अब कैसा लग रहा है मम्मी? तेरी सासू माँ क्या सोचेगी पगली? आपने मुझे डांटा, इसका मतलब आप पहले से ठीक हो। अरे अन्नी बेटा, चाय तू बनाई? हाँ। कैसी तबीयत आपकी? पापा को दिया? ज्यादा नहीं बोलो, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया है। अन्नी थर्मामीटर दे। हाँ। फिर से बुखार बढ़ गया है, जा डॉक्टर को बुला ला। हाँ। तुम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हो बेटा? जरा सब बुखार ही तो हुआ है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। और मैं ठीक हूँ, तू अब जा घर अपने बेटा। नहीं जाऊंगा। अगर ये तेरी पहली होली नहीं होती तो मैं तुझे खुद नहीं जाने देती। लेकिन बेटा पहली होली ससुराल में ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देश के संविधान में लिखा है क्या? तू बहुत जिद्दी है। तू ऐसा कर, दामाद जी को फोन लगा, मैं उन्हीं से बात करती हूँ। फोन पे क्यों मम्मी, मैं साक्षात आपके सामने हूँ। दामाद जी आप भी यही हैं? ऑब्वियसली, आपको ऐसी हालत में छोड़ के तो नहीं जा सकता था ना। बुखार बढ़ गया है मम्मी को। अरे मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। नहीं अन्नी, अन्नी चली गई है। मैं काम करो, जब तक मम्मी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती तुम यहीं रुक जाओ, वहां पे मैं सब संभाल लूंगा। मैं चलता हूं मम्मी। हा? जी तारा बेटा, ध्यान रखना। और हाँ हाँ हाँ, कैसा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा। ये क्या है? सुदर्शन चक्री सुनी है? सुदर्शन चक्री सुनी? हाँ ये सुदर्शन कचोरी है। अरे आपका गिलास खाली हो गया, और लो। अरे पीना पड़ता है भाई, ये माधव का प्रसाद है। ये इस प्रसाद में नशा सा क्यों महसूस हो रहा है मुझको? महादेव के प्रसाद में नशा? अरे कैसी बात कर रहे हैं आप दुबे जी, हम आपको ऐसे लगते हैं?
नहीं लगती ना तो बोलिए बम बम बोले और एक गिलास और कटक जाएगी जल्दी बम बम बोले। दुबे जी ये गिलास इतना सा दिखता है लेकिन एक सांस में इसको कोई नहीं खत्म कर सकता। अरे चैलेंज कर रहे हो दुबे जी को? एक सांस में नहीं खत्म कर सकता कोई, चैलेंज है अपना। चैलेंज कर रहे हो मेरे को? हाँ। क्या बात क्या बात, पीने वाले रे, वन टू आ करिए। अब इनकी हालत पहले से काफी बेहतर है। शुक्र है आप लोगों की होली खराब नहीं हुई क्योंकि समय पर सेवा और दवा दोनों मिल गए आपको। मैंने जो दवा लिखी है वो आप इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिए, ये जल्दी से ठीक हो जाएंगी। अब मैं चलता हूं। थैंक यू। देखा अब तो डॉक्टर साहब ने भी कह दिया मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब तो चली जा अपने घर। तुम ऐसे चार बार कह चुके हो मम्मी, चली जा चली जा चली जा चली जा। अरे चली जाऊंगी, घर से तो भगा ही दिया, अपने पास से भी भगा दो। सॉरी, पता है मुझे क्यों टेंशन हो रही है आपको, आज के दिन मेरे यहाँ पर होने से वहाँ क्या टेंशन हो रही होगी, यही ना। दिव्यानी जी इस बार होली में बड़े गजब की रौनक लगी है आपके यहाँ। थैंक यू। लेकिन जिनके लिए लगी है वो कहाँ है, आपकी छोटी बहू और बेटे तो दिखाई नहीं दिए। अब बस अभी आते ही होंगे, हम तो उन्हीं के साथ होली खेलने आए थे, उनके बिना तो होली का रंग ही नहीं जमेगा ना। आप लोग एंजॉय कीजिए, मैं आती हूँ। अंबर तुम कहाँ रह गए थे इतनी देर, क्यों कर दी? और वो कहाँ है? माँ वो वहीं है अभी। क्या? वो मम्मी जी की तबीयत अभी भी बहुत खराब है, उनकी देखभाल कर रही है। तो आएगी कब? जैसे ही मम्मी थोड़ा ठीक फील करेंगे तो वो आ जाएगी, मैं चेंज करके आता हूँ। अब तुम तो आओ जल्दी। अंबर गए हैं ना मम्मी, वो सब संभाल लेंगे। लेकिन बेटा ये तेरी पहली होली है। तो क्या हुआ पापा, होलियां तो बहुत आएंगी ना, अभी इस हाल में मम्मी को छोड़कर चली गई ना, मेरा वहां मन नहीं लगेगा पापा, चाहे होली हो चाहे दिवाली हो। और रही बात ससुराल वालों की तो उनको मैं बाद में समझा दूंगी। ये सारी गड़बड़ी मेरी वजह से ही हो रही, मेरी वजह से ना आज तो मायके में होली खेल पा रही है ना ससुराल में। अरे बस इतनी सी बात, चलो मैं खेलता हूँ इसके साथ होली। अभी आया। मैं भी अभी We'll be right back.
घूम रही हो? अरे अब लग रही हो ना होली की होली यार। क्या हुआ, रंग पसंद नहीं आया? दूसरा रंग लेके आऊं या एक गिलास भांग लेके, मेरा मतलब है ठंडाई लेके आऊं? मुझे बेफिजूल का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। होली गरम है। अच्छा देवयानी जी, चलते हैं, आपकी छोटी बहू से फिर कभी मिल लेंगे। हाँ, ऐसा लगता है वो शाम तक होली वहीं खेलेगी मायके में। चलो कोई बात नहीं, यहाँ अगले साल ही सही। अरे नहीं नहीं, आप लोग खाना खा के जाइए ना, आ जाएगी थोड़ी देर में। थोड़ी देर प्लीज। ठीक है, आप कह रही है तो आधा घंटा और रुक जाते हैं। हाँ हाँ जी। अंबर बेटा, बेटा तुम कब आए? बस अभी अभी आया। अरे बेटा, होली वाले दिन तुम इतनी देर से आ रहे हो, नियति कहाँ है? उसके ससुराल वाले तो दिखाई नहीं दे रहे, तुम लोगों ने उन्हें इनवाइट किया था या नहीं? इसको कुछ नहीं पता, बीवी घर नहीं, मियां को डर नहीं। इसको महादेव का प्रसाद तो पिलाओ। अरे बेटा लो। अरे बेटा गटक जाओ, बेटा एक बार अपना मूड ठीक कर लो, उसके बाद बताओ बात क्या है। ये हाँ बाबा, सच्ची बाबा कसम बोल रहा हूँ ना, ये महादेव का प्रसाद है, पीजो पीजो। अरे मस्त मजा आएगा, आप ही पीजो। नियति आई क्यों नहीं अब तक? उसे फोन तो लगाओ। है? बेटा नियति तुम्हारे साथ नहीं आई? मैंने ट्राई किया था, उसका स्विच ऑफ जा रहा है। स्विच ऑफ आ रहा है या स्विच ऑफ कर रखा है? मुझे नियति यहाँ पर आधे घंटे में चाहिए, तुम कुछ भी करो। अरे मुझे भी तो कोई बताएगा कि बात क्या है। अरे देवयानी टेंशन मत लो, नियति को भी पता है भी यहाँ उसका इंतजार हो रहा है, वो कुछ ही देर में खुद आ जाएगी। जरूर पहुँच भी जाना चाहिए। जितनी ना नाक मेरी कटा सकती थी ना, वो कटा चुकी। अरे सारी सहेलियाँ पूछ रही हैं कि वो कब आएगी, वो कब आएगी। सबको घर भी जाना है कि नहीं जाना है? बहुत बेइज्जती सहेली मैंने। आप दोनों ना एक बात कान खोल के सुन लो, अगर नियति आधे घंटे में यहाँ नहीं आई ना, तो आज के बाद ये होली मिलन का प्रोग्राम इस घर में नहीं होगा।